बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद और फैसल अफरीदी, मैं आप दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आप जब से हमारी हुकूमत आई है आपने शुरू से ही हमें इस चीज़ का एहसास दिलवाया कि अगर पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइज होना है तो हमारा जो सबसे एलाय है वो चाइना है, और आपके जो चाइना के साथ कनेक्शंस थे उससे आपने मेरे होते हुए ये तीसरा है ना, आपने मैंने इनॉग्रेट किया आपकी जो आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, तो मैं आपको मुबारक भी देता हूँ। और आज चाइनीज़ एम्बेसडर हमारे साथ हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं इनकी जो बैकग्राउंड है, इनकी बैकग्राउंड कॉमर्स से है, ये मेयर रह चुके हैं और ये समझते हैं, ये डिप्लोमेटिक कोर्स से नहीं है, ये डेवलपमेंट समझते हैं। और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर किसी मुल्क से भी हम सीख सकते हैं वो है चाइना, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट मॉडल है वो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। इनकी पिछले 30-35 साल में चाइना ने जिस स्पीड से डेवलप किया और जो तरीका इनका डेवलपमेंट का है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान उसे सीख सकता है। इनकी डेवलपमेंट का जो मॉडल था, इन्होंने कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया, कैसे स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए और उस इन्वेस्टमेंट से फिर इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, इन्होंने इंसेंटिवाइज किया उनको, उससे इनकी दौलत बढ़ी। जब मुल्क की दौलत बढ़ी तो इन्होंने जो सबसे दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा काम किया, लोगों को गुर्बत से निकाला। ये जो चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 30-35 साल में गुर्बत से निकाला है, इसका कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। और हमारे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस ही है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है, हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और हमने डेवलप, ये नहीं कि अमीर अमीर होता जाए और वो फिर वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये जो एक पुराना एक न्यू लिबरल थियरी थी डेवलपमेंट की, हम उसमें नहीं बिलीव करते बल्कि इनकी थियरी में बिलीव करते हैं कि जब आप नीचे से लोगों को ऊपर उठाते हैं तो तब असल में डेवलपमेंट होती है। और इन्होंने साबित किया, और दुनिया की में सबसे तेज़ी से आज अगर एक कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है। तो हमें इनसे सिर्फ यही नहीं कि हम इनसे जो हमारे जो हम चाहते हैं कि रीलोकेशन हो चाइनीज़ इंडस्ट्री की पाकिस्तान में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हैं रशा कई और तीन चार और जो हमारे जोन्स हैं, हमारी पूरी कोशिश यह है कि उधर चाइनीज़ इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें, उनको रीलोकेट करवाएं और उधर से फिर कोशिश करें कि वो फिर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से करें पाकिस्तान से। वियतनाम में जो चाइनीज़ इंडस्ट्री ने रीलोकेट किया और जो एक्सपोर्ट्स, वो बहुत बड़ा एक वियतनाम की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बन चुका है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पिछले 50 साल से हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, लिहाजा जो हमारा, हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, जो खसारा होता है उसकी वजह से, जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है और मुसलसल कर्जे लेने पड़ते हैं, फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर अपनी इकॉनमी को स्क्वीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर मुश्किलात आती हैं। और ये जो हम चाहते हैं कि अब, और इंशाल्लाह चाइनीज़ के साथ हम बैठ के पूरी प्रोग्राम करेंगे कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं शुरू में, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, हम जो जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं आप इंशाल्लाह एक टाइम लैग के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम चाइनीज़ से पूरी हेल्प लेंगे। तो एक तो इंडस्ट्री के अंदर, दूसरी एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ जो हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो बदकिस्मती से बहुत ही नीचे है, इसके ऊपर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो चाइनीज़ के साथ हम मिलकर अब अभी से प्रोग्राम बना रहे हैं कैसे हम अपनी सीड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं,
इनके पास जो टेक्निक्स हैं और जो इन्होंने किए हैं वो इंशाल्लाह इनसे हमारा पूरा कोऑपरेशन और सीपैक का जो अगला अब जो उसका अगला हिस्सा आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है। मैं आपको JW और ये जो MG का आपने आज ये किया है कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके साथ और ये जो आप गाड़ियाँ प्रोड्यूस इंशाल्लाह मार्च में गालिबा आप करना शुरू करेंगे तो ये इसलिए अच्छा है पाकिस्तान में कि इससे इसके जो इफ़ेक्ट्स जाएंगे सारी इकॉनमी के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी रिपल इफ़ेक्ट सारी इकॉनमी में जाते हैं और सिर्फ एक ही नहीं कि एक सेक्शन ग्रो करता है बल्कि रोज़गार लोगों को देते हैं, इससे स्किल डेवलपमेंट होती है, इससे पूरी डाउन द लाइन सारी जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑटो पार्ट्स हैं, सब कुछ डेवलप होता है। तो ये आप ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मैं फिर से मुबारक आपको देता हूँ और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हम और अब जॉइंट वेंचर्स करेंगे चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ ताकि हम और उनको अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में। मैं आखिर में हमाद ने बड़ी तफसील में बताया सबको कि पाकिस्तान का सिचुएशन क्या था जब हमें गवर्नमेंट मिली, किस तरह के चैलेंजेस थे। पहला साल हमें स्टेबलाइज करने में लगा इकॉनमी में। जब भी आप इकॉनमी को स्टेबलाइज करते हैं आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है और जो दूसरा साल था बदकिस्मती से उसमें कोविड आ गई और कोविड में अल्लाह का मैं ख़ास शुक्र अदा करता हूँ, उसका करम है कि हम जिस तरह हमारी जो पॉलिसीज़ बनी, जिस तरह हम कोविड से निकले हैं, दुनिया में सिर्फ 5-6 मुल्क हैं जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल देता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टेयर किया, नेविगेट किया इस मुश्किल वक्त से कि लोगों की जानें भी बचा लीं बीमारी से और साथ साथ अपने लोगों को भूख से भी बचा लिया। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाना लेने के लिए। हमारे से बहुत अमीर मुल्क उधर जो उन मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का हाल है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने लोगों को बचा लिया। हमारा तो वैसे ही 25% लोग गुरबत की लकीर से नीचे थे तो हमें तो सबसे बड़ा खौफ ये था कि लॉकडाउन की वजह से बेचारा निचला तबका पिस जाएगा बिल्कुल। इसमें मैं अपने एहसास प्रोग्राम में डॉक्टर सानिया को ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा पैसा और इतनी शफाफियत से हमारा जो निचला तबका था वो बच गया। चैलेंजेस आगे भी हैं, इस साल और भी चैलेंजेस हैं और वो हमारे नहीं सारी दुनिया में इस वक्त चैलेंज है क्योंकि सेकंड वेव आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा तजर्बा इस मुश्किल वक्त से 2 साल और ख़ास तौर पर पिछले साल जो हमारा तजर्बा हुआ है, इंशाल्लाह हम अब तैयार हैं हर किस्म का अब चैलेंज फेस करने के लिए। ये जो 2021 है ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसकी इस वक्त बूम कर रही है, सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं, इसका मतलब कि सीमेंट जब इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। जिस तरह हमाद ने मेंशन किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है, टेक्सटाइल के वर्कर नहीं मिल रहे, मज़दूर नहीं मिल रहे टेक्सटाइल के फैसलाबाद में, सियालकोट में और गुजरांवाला में, और आगे ऑर्डर्स हैं। हम सबसे बड़े सगीर में सबसे तेज़ी से अगर कोई रिकवर किया कोविड से तो पाकिस्तान किया। एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेज़ी से बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। इस ये जो साल है हमारा 2021 का, इसमें हमारी जो पॉलिसी है बड़ी सिंपल है, हमने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी है, हमने अपनी इंडस्ट्री की मदद करनी है, ख़ास तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री निगलेक्ट हुई पीछे रह गई, इंडस्ट्रियलिस्ट पीछे रह गया, हमने पूरी उनको इंसेंटिवाइज करना है और जो वेल्थ क्रिएशन होगी, जो हमारे मुल्क में दौलत बढ़ेगी, उस सारी दौलत का हम इस्तेमाल करेंगे लोगों को गुरबत से निकालने के लिए। हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, मेरे जो इस साल के अंदर जो दो मैं अपने आप को टारगेट्स दिए हैं वो ये कि एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो हमारे सूबे हैं पख्तूनख्वा के, पंजाब और GB, इस साल के एंड तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज
ये अमीर मुल्कों में भी नहीं होती कि हर घराने के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी ताकि कहीं भी अगर उनको कोई किसी भी अस्पताल में जाके वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ज़रिए वो अपना इलाज करवा सकेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये अमीर मुल्कों में भी इस तरह की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। और दूसरा जो इंशाल्लाह मैं अब प्रोग्राम लॉन्च करने लगा हूँ एहसास प्रोग्राम के ज़रिए और जिसमें मैं सारी कौम को इन्वॉल्व करूँगा कि वो प्रोग्राम ये है कि कोई पाकिस्तान में भूखा ना सोए। हमारी अब पूरी कोशिश ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एरियाज हम आइडेंटिफाई करेंगे जिधर जिधर सबसे ज़्यादा लोगों को जिधर भूख है और हम सारा मुल्क इसमें एनजीओज को अपने जो लोग खैरात देते हैं पाकिस्तान में बहुत खैरात दी जाती है उनके साथ गवर्नमेंट एहसास प्रोग्राम ये मिल के कोशिश ये है कि साल तक हम ये पूरा अपना प्रोग्राम जब अनफोल्ड करें जो डेवलप कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह एक ये वो मुल्क बन जाएगा कि कोई कोई पाकिस्तानी भूखा नहीं सोएगा। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनअती तौर पर मजबूत होने के लिए चीन से शराकत दारी जरूरी है और चीन ने कम मुद्दत में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी कोशिश है कि आवाम को गुर्बत से निकालें और हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं और पाकिस्तान दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है।